छोटा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा वो पापा। अच्छा वो तो बाद में करना बाबा। उड़ाता ऊपर आजा आजा पापा, उसको दुपट्टे को पकड़ ना छोना। आजा आजा पकड़ उसको पकड़। ये यहाँ खड्डा बहुत खतरनाक रखा है, देखो सब चिल्ला रहे हैं ना, एकदम सरीका है ना, तो उसको पकड़ नहीं मिले। हाँ। सुबह सुबह हम लोग आए, टाइम कितना, कुत्ते भी पौने छह हो गए ना, पौने छह भी पूरे नहीं हुए। आजा अल्लाह रहम करे, और वो पकड़े किससे क्या करे समझ नहीं आ रहा है। ओ अस्सलाम वालेकुम, दिन की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है, ये थोड़ा सा बच्चा है। आज मैंने सेवैया बनाई थी मीठी, और ये देखो सूखे बोम्बल फ्राई किए ना, वो खा रहे मस्त है ना। और एक कहाँ है छोनी, आजा आजा छोनिया, आजा आजा। एक ये आई बाय बाय पर गिरेगा, आई बाय छोनी, आजा आजा जल्दी, ए छोनी छोनी आना, आजा। देखा उसको दरवाजे पे खड़े रहना है, आजा अभी देखो उसका ऐसा रखना पड़ता है, बहुत चापकर बच्चा है ये ना छोनी। अरे सच में बहुत अच्छी लगती है ना, फूल इतने हुए लेकिन मेरा इतनी बार मन किया लेकिन मैंने एक बार भी फूल को निकाला नहीं है, क्या अच्छा ही नहीं लग रहा उनको निकालना। आ छोटी आई, खाके हो गया, हो गया खाके। अब मैं यहाँ खड़ी रहूंगी ना तो सबके सब यहीं पे आएंगे, क्यों कि जैसे खिड़की खुले हम लोग को बाहर जाने मिले, उस चक्कर में ना ना छोनी। ये देखो छोटी भी आई, कहाँ गई छोटी, कहाँ गया छोटी, लल्ला खा जाए। आज सुबह सुबह ऐसी गड़बड़ हो गई कि क्या बताऊं, जैसे कोई मतलब मैं क्या ही बताऊं, सच में मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। लल्ला मेरे पीछे पीछे क्यों आता है तू, क्यों आता है मेरे पीछे पीछे हाँ। तो मैं बताती हूँ कि सुबह क्या हुआ। सुबह ना मतलब हम 4 बजे उठ जाते हैं ना, तो 4 बजे उठने के बाद हम लोग कभी मतलब सोते नहीं है या कभी सो जाते। सोने का कब रहता पता है क्या, कि हाँ अगर दानिश को थोड़ा सा लेट जाना है और मेरी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि मेरा सोना 1:30-2 बजे सोना होता है, उसके ऊपर तुरंत 4 बजे उठने का रहता है। तो क्या होता है ना कि मेरी आंख में ना 4 बजे उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा नींद रहती है, तो हम लोग उठते के साथ पहले ताजुद पढ़ते हैं, फिर हम लोग रुकते हैं बैठते हैं, तब तक फिर फजर की अजान भी हो जाती है, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, फिर उस वापस मैं उठूँगी। तो आज मेरा ऐसा ही हुआ कि दानिश को लेट जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा ना मतलब दानू जी बोलो आज ना सो जाएंगे थोड़ा, फिर वो बाद में उठेंगे, ऐसा 7:30-8 बजे तक उठ जाएंगे, ये सोच के हम लोग सोने के लिए आए। सोने के लिए आए तो 5:45 का टाइम था, 5:45 के बीच का टाइम, और हमारा लैंडलाइन फ़ोन बज गया, फ़ोन बज गया। तो मैंने दानिश को बोला तुम जाओ, बोलो फ़ोन ले लो, बोलो पता नहीं कौन है क्या है। तो लाइन उठने के बाद यही होता है, ज़्यादातर मैं अगर दानिश घर पे है तो वही फ़ोन लेते। तो मैंने दानिश को बोला जाओ, तो दानिश फ़ोन उठाए तो वॉचमैन बोलता है कि शेड बोलते ना वो बिल्ली ना बोलते खड्डे में गिर गई है, बोलते टाकी में गिर गई, टाकी में ऐसा उन्होंने बोला। तो टाकी में बोते के साथ हमें क्या लगा ना कि वो पानी की टंकी नीचे है ना, तो हमें लगा कि पानी की टंकी में गिर गया, अल्लाह बोला भी बच्चे को कुछ हो गया तो नहीं, ये सोच के कहाँ सोना ना कहाँ। हम लोग वैसे उठे फटाफट, हम लोग नीचे भागे तो वो टंकी में नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पानी की टंकी नहीं थी, जो बोर मारे है ना वो बोर की टंकी थी, तो वहाँ से बोर के पाइपलाइन में पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसके अंदर गिरा। लेकिन सोसाइटी की एक गलती है कि उन्होंने वो टाकी को ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी का बच्चा भी तो गिर सकता है, या बिल्ली गिर गई है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको पैक करना चाहिए, जो कि उनकी गलती है, उन्होंने पैक नहीं किया है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ हम लोग गए, वो बच्चा इतना हम लोग को देख के और चिल्लाने लग गया, वो छोटा हाँ जो अभी बच्चे हुए नहीं क्या, नीचे की छोटी को 2 बच्चे हुए ना, उसमें का बच्चा था।
तो हो सकता है कि बड़ा को ये गिरता तो शायद वो आ सकता था, लेकिन वो बच्चा था, इतना परेशान हुआ था बेचारा वहाँ, मतलब चिल्ला चिल्ला के किसी कोई हद नहीं। फिर हम लोग यहाँ से गए ना, तो हम लोग ना दुपट्टे लेकर गए थे कि दुपट्टे को बांध के एक दूसरे का दुपट्टा बांधेंगे और मतलब उसको नीचे छोड़ के शायद वो दुपट्टे को पकड़ ले और आ जाए। तो हम दुपट्टे को लेकर गए तो वो दुपट्टा पकड़ता ही नहीं है, बल्कि जैसा दुपट्टा उसके पास जाता था वो जगह चेंज करता था। हम लोग वहाँ बहुत टाइम बैठे कि अभी लेगा लेगा लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया। फिर हमने वापस से थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने और दानिश ने, कि बाल्टी लेकर आते हैं और बाल्टी के अंदर ना बोलो खिम्मा डालते हैं, तो उसको भूख भी लगी होगी तो शायद वो खिम्मा खाने के लिए बाल्टी में आ जाए और हम लोग उसको फटाक से कैच करके ऊपर से ला सकते हैं। तो वो खिम्मा खाने के लिए भी बाल्टी के अंदर उतरने के लिए तैयार ही नहीं। हमने देखा देखा देखा, हम लोग का बहुत वहाँ टाइम गया कि क्या करेंगे, सब मतलब लिंग की आग लग गई और टाइम इतना जा रहा था फास्ट, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर हमने जैसे तैसे फिर क्या किया पता है, एक लंबा डंडा वॉचमैन को बोला जरा देखो होगा तो एक लंबा डंडा उसने लाया उठा के। फिर मैंने एक साइड में बाल्टी को ऐसा गिरा के रख दिया था और दानिश ने एक साइड में धीरे 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 उसको डंडे से अंदर बराबर बाल्टी के अंदर डाला। तो वो बाल्टी के अंदर जैसे ही आया ना, वो बराबर बैठ के रह गया और निकलता भी नहीं था। फिर मैंने वो जैसे ही बाल्टी में बैठ गया, फटाफट मैंने बाल्टी दुपट्टे बांधे थे ना हमने बाल्टी को, वो जैसा वो कुएं में पानी कैसा भरते हैं वैसा भर रहे थे तो वैसा बोला हमने बाबूले को, उसको निकाले। तो वो इतना डरा हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर छोटी भी चिल्ला रही थी, उसका जो दूसरा बच्चा वो भी चिल्ला रहा था कि जैसे उनका आखिर वो गिरा था ना, आखिर माँ थी ना वो। तो जैसे तैसे करके उसको निकाला, फिर हम लोग ऊपर आए। लेकिन वहाँ थोड़ा सा हम रुके क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग गई थी कि उसी वक्त बारिश भी हो गई थी, तो शायद वो नीचे का हिस्सा गीला होगा तो उसको ना ठंडी भी लगी हुई थी। फिर हम लोग ने थोड़ा सा उसको प्यार भी किया और उसके बाद आए। तो मैं शूट करना चाहती थी और भी, लेकिन कहाँ ये सब मूड ही नहीं था शूट करने का, क्योंकि उसकी हालत देख के क्या कुछ भी मन नहीं किया कि करे, बस उसको अच्छा मतलब निकाल के ना अच्छे से उसको देखे, यही इच्छा थी। इसके लिए हमने और कुछ भी नहीं किया। तो ये सुबह सुबह हमारे साथ हुआ। फिर मीन मीन सब भाग गई, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सच में अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा सही सलामत निकाले हमने, तो एक बहुत अच्छा लगा। बच्चों का क्या चल रहा, देखो हंसी आ रही है। क्या चला है तुम लोग का दिखते तो इतने माशाल्लाह है लल्ला, छोटी ना छोटी वाली थी रूम में। छोनी क्या हुआ, सब ढूंढ रहा है रे। छोनी क्या चाहिए, अल्लाह ऐसा मत कर पापा। भाई जान दे। तू कहाँ चला वो देखो वो थैली पे गया। भाई जान दे। अरे छोनी की सब गिरा मत ना, क्या कर रहा है। हाँ बैठ जा, शाबाश बैठ जा, कितना शाना पापा देख दानू। छोनी तो कितना माशाल्लाह है ले, कितना अच्छा पापा है ले छोना, कितना अच्छा पापा है ना मेला, सबसे अच्छा पापा है मेला ही ना। केले क्यों लाए ने लाने चाहिए थे ये लो दानू जी, इसमें रखो क्या क्या लाया है। ये दूध है छोनी, दूध पिएगा, वो क्या पीता दूध छोनी ले दूध ले वो क्या लेगा तो ये भी सब आम है, चूसने के अलग काटने के अलग, ये वो है छोनी ब्लैक थैली में क्या है कुछ नहीं खाओगे, सब फेंकने में जाएंगे, हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। चलो इन सब दूधों के आपको ये देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या है, काजू है, अच्छे है क्या, मीठे है क्या, खांसी आएगी, हाँ है तो अच्छे, पर मैं तो नहीं खाऊंगी, पता है ना मैं तो नहीं चलते हो। अच्छा है,
ये आम वो खजरा ये सब मैं नमक पानी में डाल के रख देती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ पहले, सब करती हूँ मैं। बहुत ज्यादा टाइम हुआ है और दानिश आए हैं, उन्होंने अभी लहसुन की नमाज भी हो गई है। वैसे ये सर इतने सारे आम लाए, इतने सारे खाए, इतने सारे सौदू ने दिए, कैसा लग रहा है? बहुत अल्लाह का करम लग रहा है मजा आई ना बहुत बहुत। अभी तो आम बाकी है बहुत। हाँ आम अभी बाकी है, लेकिन करवन अभी खत्म, करवन लास्ट है ना, करवन लास्ट क्योंकि बारिश गिरने के जाएगी तो दूसरा कुछ कुछ आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन करवन लास्ट इसके लिए क्योंकि बारिश गिरने के बाद फिर करवन नहीं खाते है, इसके अंदर कीड़े पड़ते है। करवन में नहीं गिरते, वो जामुन में गिरते। करवन में भी? अच्छा हाँ ठीक है, चलो वो भी नहीं खाइए। धामना? हाँ धामना खा सकते, धामना तो फुल टाइम पास है, बहुत मजा आती है। चलो इंशाल्लाह धामना लाएंगे। अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना है? सच में बहुत अच्छा लगा, और डाइस की तो फ्रेश लग रहे, इतना टाइम होने के बावजूद नमाज पढ़ी, इसलिए क्या बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो चलो अभी अल्लाह प्लीज, अभी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह करेंगे, सब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।